तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नहीं इस सीजन के हमारे इस सीजन के जो पिछले दो एपिसोड थे वो हम याद ना करें तो अच्छा है। मगर क्यों? भयानक हुआ था उसमें हमने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की और हमने सारा काम ऑफलाइन ही किया था, तो वो गलती इसमें नहीं करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और वैसे भी वो हमसे डिलीट हो गया। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा कच्चे के लिए होता है। क्या? सॉरी जोक सपाट। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। पहले हम इसको खुजाने देंगे, समझ रहे हो? हाथ हाथ की बात चल रही है, गलत मत समझिएगा। देखा क्या हाथ खुजाया इसने? अच्छा खैर चौक सपाट। तो हम लोग बहुत तेजी से जा रहे थे एपिसोड 1 में, एपिसोड 2 में, और हमने सारा काम ऑफलाइन किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब हम स्लो स्लो प्रोसेस करेंगे, अच्छे से करेंगे। हाँ आगे बोल। और बहुत अच्छे से करेंगे। करेंगे वो प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। गेम में जो हम प्रोग्रेस करेंगे वो करेंगे, ठीक है? ताकि मैं सारी चीज़ें दिखा सकूँ, सारी चीज़ें मतलब ऑनलाइन करूँ, ऑफलाइन नहीं करूँ। और सच्ची बताऊँ तो मैं काट काट के थक गया, वीडियो नहीं। लेवल कर लेते हैं पहले स्टेमिना, और जो न्यू प्लेयर्स हैं स्टेमिना और अपना स्पीड, ताकि जब रिप्टर पीछे लगे तो उससे बच जाएंगे। और दूसरी चीज़ जब केव में हम एक्सप्लोर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसकी माँ का, जब हम केव एक्सप्लोर करेंगे तब भी हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा जब स्पाइनो पीछे पड़ता है और थेरी को जब हम छेड़ते हैं, क्या 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 क्या, तो स्पीड और स्टेमिना, हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं ये कह रहा था, अबे जल्दी बोल, के जो है वो मेरी फटके हाथ में आ गई, सॉरी फॉर दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे रिकॉर्ड करूँ, क्या करूँ। एक तो पहले तो मेरे पास माइक नहीं था, अब माइक है, तो अब ये परेशानी के किस तरह बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या कहाँ से ख़त्म करूँ। अच्छा तो पहले तो हम क्राफ्ट कर लेते हैं अपना नहीं, आर्क का कैंप फायर, जो कि बेसिक पर सूट्स में शामिल है। तो मैं वैसे बात करूंगा जैसे मैं करता जाऊंगा, सीख जाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है नहीं गलत हो सही हो मैं करूंगा बातें आप लोगों से, तो मैं ज़्यादा वॉइस एडिट नहीं करूँगा, ठीक है? वॉइस को मैं नेचुरल रखने दूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं एडिट करता रहा तो मेरे लग जाएंगे। मेरे को बहुत एपिसोड्स जो है वो बनाने हैं, इसके अलावा भी अगर इसमें लगा रहा तो फिर लग जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम थोड़ा फाइबर और ये जुगाड़ कर लेते हैं। डेवलप में मूवमेंट स्पीड और शुरू में वेट का थोड़ा देखेंगे। मैंने बहुत सारे छोटे मोटे मेरे जैसे यूट्यूबर्स को देखा कि वो जिस तरह बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, वो शर्माते नहीं हैं। तो मैंने सोचा था मैं अच्छे से बात करूंगा, काट पूट के डालूंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा।
जैसे है वैसे बात करनी पड़ेगी भाई, ऐसे तो लग गए फिर। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं परसूट कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो मैंने सेटिंग अपनी सारी सही कर ली थी, ठीक है। कैजुअल प्लस मीटिंग कैजुअल प्लस मीडियम में कर रहा हूँ मैं, समझ गया। मीडियम होता है ना, हाँ, कैजुअल प्लस मीडियम। तो 250 लेवल के हैं कम से कम जानवर यहाँ पे, तो कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ये जो है वो अपने बेसिक टू परसूट सारे कंप्लीट कर लेता हूँ। हेज की फाउंडेशन बनाएंगे, पहले तो बेसिक सा बनाएंगे, जितना बेसिक सा सामान आ जाए उसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। और स्लीपिंग बैग भी मैंने अनलॉक कर लिया है, और इसको मैंने इसीलिए हॉट बार में रखा है ताकि यहीं से मैं क्राफ्ट कर लूँ। देख रहे हो सुस्ती नहीं, असल में यार लेग करता है, बार बार जाओ ना बैग में तो लेग करता है, तो यहीं से क्राफ्ट कर लो। तो सिली का पर्ल भी यहाँ पे पड़ा है, सिली का पर्ल उठा लेंगे सारा, स्टोर करके रख देंगे फिर अपना स्टोरेज, अपना नहीं आर्क का, आर्क की स्टोरेज, आर्क में स्टोरेज बॉक्स जब बनाएंगे तो सारी रख देंगे। और ये जो जेली फिश है ना, कसम से इसका बायोटॉक्सिन कमाल का है। मैं भी आपको, अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपको सजेस्ट करूँगा कि बायोटॉक्सिन खिलाना अनकॉन्शियस करने के लिए, इसको थेरी का जो अनकॉन्शियस रेट है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है। बाकी पी साइलेंट टेरानाडोन, उसको तो हम कर लेते वैसे अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरे एपिसोड में किबल बनाऊँगा, चौथे एपिसोड में, ये तीसरा है, चौथे एपिसोड में मैं किबल बनाऊँगा, डोडो किबल। तो हम पीटी को टेम करके देखेंगे, लो जो है 20-25, तो इस लेवल का वो कितने केबल में होता है, वैसे तो 2 केबल में होता है। अच्छा, तो हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, रेसिपीज़ बनाएंगे, मेडिकल ब्रू हो गया, और एनर्जी ब्रू हो गया, रेसिपीज़ जो भी हैं वो हम बनाएंगे। तो मैंने रात गुजारी है यहाँ पे, मुझे बेस भी यही वो सामने जगह है ना बनाना है। वेट की कदर मुझे इसलिए हुई क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया था, वेट बढ़ा लिया मैंने अपना, वेट में पॉइंट जो है वो इन्वेस्ट किया है इस दफ़ा। जब अपना वेट बढ़ा तो फिर कदर हुई वेट की। अरे कहना क्या चाहते हो कि वेट भी इम्पोर्टेंट है, स्पीड और स्टेमिना तो है ही। तो यहाँ पे हमने तय कर लिया था कि बेस बनाएंगे, हाँ ये वाला एनर्जी ब्रू है। ये पता नहीं किस काम में आता है, इसकी इतनी नीड नहीं होगी। हीलिंग ब्रू जो है ना वो मस्त है, हीलिंग ब्रू हम जब केव वगैरह एक्सप्लोर करेंगे तो हीलिंग ब्रू लेके जाएंगे, हीलिंग ब्रू से मिलें, और जब पिटने का कहीं ख़तरा होगा कोई मिशन करेंगे तब बनाएंगे। तो मैं हाँ चेक कर रहा था कि सब जगह पे लग रहा है, वरना सीलिंग लगानी पड़ जाती कई जगह पे। चलो बन रहा है मेरा काम, पानी, इसको प्याज और भूख बहुत ज़्यादा लगती रहती है यार, अभी तो यही रोना होगा जब तक हम इंडस्ट्रियल की चीज़ें नहीं बनाएंगे। खैर, तो हम जो है वो बोल बनाएंगे कितनी आएगी,
चलो जितनी बनती है बना लेते हैं। तो यार मैं थक गया था वॉइस एडिट करते करते, ये गलत आ रही है, ये सही बोला मैंने, ये गलत बोला, यहाँ पे ये काटा वो काटा, भैंस की डंडी। ऐसा नहीं करना यार, बहुत टाइम लग जाएगा, बोलते जाओ। इसी तरह तो गेम प्ले बनेंगे, अपनी जो नेचुरल आवाज़ है वो उभर के बाहर आने वाली है। तो हम इसी तरह बात करेंगे, बस एक दफ़ा अगर मेरा माइक, मैंने दो चार दफ़ा ट्राई किया है, माइक कभी काम करता है कभी छोड़ देता है, तो जब भी इसमें काम नहीं किया तो अपने लग जाएंगे। मैं 20-22 मिनट का पूरा जो रिकॉर्ड करूंगा एक साथ, उसके बाद देखूंगा कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पीछे से अगर नॉइस आ रही है तो सॉरी यार, वैसे भी एपिसोड 1 और 2 अगर आप देख के आए हो तो आप तो गालियां दे रहे होगे, ये एपिसोड तो पता नहीं आपने क्यों किया, लेकिन किया तो अच्छी बात है, आपको पता चल गया कि भाई ने माइक ले लिया। चलो तो मैं इसका पता नहीं, मैं इससे डर रहा था यार, इसको ना पेलम पाली में कहीं लग जाए, एक दवा लग गई ना तो ये हाथ धो के पीछे पड़ जाता है ट्राइक भैया, एक दवा पड़ गया तो नहीं छोड़ेगा फिर। अच्छा दूसरी बात मैंने नोटिस की, अगर हम टेरानाडोन का भी अंडा उठाते हैं ना तो वो भी साला मारने लग जाता है यार, वो तो पेसिव है, पता नहीं ये मैंने पहले देखा। चलो तो हम बना लेते हैं वॉल्स, हम 3 दरवाजे बनाएंगे क्योंकि मस्त लगते हैं, जहाँ से भी आएगा निकल जाएंगे। तो रिसोर्सेज की कमी होने वाली है, 2 तो बन रहे हैं, तो हम सारे डायनोस, मैं कह रहा था केबल से टाइम करेंगे, और रेसिपीज भी बताऊंगा मैं आपको जब बनाऊंगा, जिनको नहीं पता उनके लिए है भाई, जिनको पता है उनको नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो वॉल बनाएंगे, ये 12 बन रही है, बनाते हैं कि नहीं, बना लेते हैं। चलो देखते हैं कितनी, 12 तो आएंगी, 1, 2, 3। तो पहले जो हमने लिटरली दूसरे एपिसोड में अर्जेंट टीवीस को टाइम करने का ट्राई किया, पर वो डिस्पोन हो गया, पहले मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बाद में गूगल बाबा से मुझे पता चला कि ग्लिच होता रहता है, अगर मैं उसका आर्टिफैक्ट लेता तो नहीं होता, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही नाड़ा कच्चे के लिए होता है। तो बहुत स्पीड से हम जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, हमने गलती की थी, इतना स्पीड से भी नहीं जाना होता, कोई बात नहीं भाई, नए प्लेयर हैं सीख जाएंगे। पहले तो मेरे को 2-3 घंटे रिकॉर्डिंग में लग गए कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ये सोचने में। चलो 20 दरवाजे बन रहे थे, और ये मेरे ख्याल से फाइबर और थेज से बनते हैं, थेज और फाइबर तो भर भर के मैंने जमा कर लिया। चलो बनाओ। तो यार इसका परसूट भी है ना, परसूट देख लेते हैं, परसूट है कि क्या है, स्टोरेज बॉक्स, हाँ ये तो मेन चीज़ें हैं, और भाई नारकोटिक और ये अपना, इसको मैं बाद में बनाऊँ, नारकोटिक और अभी देख लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक
3 बनाए हैं मैंने स्टोरेज बॉक्स, छोटे वाले अनलॉक थे तो इसमें यही है कि पता है पीसी में जो एस प्लस के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो सही है, उसमें मस्त वो होता है, फिट बैठते हैं मोबाइल। गरीब लोग, चलो इसी से गुजारा करना पड़ेगा और क्या। एक मिनट, हाँ कुछ नहीं चलो गाड़ी स्टार्ट कर, शुरू करते हैं। शुरू तो किया हुआ है, ख़त्म करते हैं। बेड यार, पहले ये पता है स्लीपिंग बैग जो है एक ही दफ़ा यूज़ होता है मेरे ख्याल से, एक दफ़ा आप ठिल गए स्पॉन हो जाओगे फिर बैग स्लीपिंग बैग गायब आई थिंक। तो मैंने वो परसूट जो है ना जगह बनाने वाला अभी उसको देखा, उसके वो कह रहा है बस सीलिंग लगाओ आपका कंप्लीट और ये लेवल बढ़ गया मेरा। तो किसमें थे स्पीड मूवमेंट स्टेमिना, अच्छा दो आए हैं, एक मूवमेंट स्पीड हो गया एक स्टेमिना हो गया, ये बात। तो यार अगर आप भी न्यू प्लेयर हो खेल रहे हो तो मैं आपको, मैंने बता दिया मेरे ख्याल से परसूट लाजमी है, उससे मिशन जल्दी जल्दी, मिशन नहीं लेवल जल्दी जल्दी बढ़ता है, मिशन और परसूट तो एक ही है। टेम डोडो वाला कर लेंगे, डोडो को पेल देंगे डोडो को वापस, फिर डोडो का कोई काम ही नहीं रहेगा मिशन हो गया तो। चलो पहले टेम तो करते हैं, तो हम जो है वो मस्त काम करेंगे। ये जेलीफिश जो है ना बड़े काम की चीज़ है, बायोटॉक्स ये काम की चीज़ नहीं है, डेंजरस चीज़ है। इससे जो इसको जो पेलने के बाद जो हमें, अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको पेलने के बाद जो हमें बायोटॉक्सिन मिलता है वो मस्त है। और हाँ दूसरी चीज़, वो उसका टेरर बर्ड का अनकॉन्शियस रेट तो भाई बहुत ही फास्ट से डिक्रीज होता है, बहुत फास्ट। फिर क्या थेरी, क्या अपना गीगा है, गीगा, अबे वैसे गीगा मैंने टेम नहीं किया यार, मैं जब भी खेला हूँ ना तो 85 लेवल तक रह गया हूँ बस, क्योंकि मैं मिशंस ही नहीं करता यार। चलो इसको टेम कर हो गया, तो मिशन हमारा कंप्लीट हुआ। कह रहा है नाम चेंज करो, करते हैं, कर देते हैं ना, इधर ही कर देते हैं इसका नाम चेंज करते हैं और इसको पेल देते हैं, फिर क्या नाम रखें, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो मरना है इसने। डूड रख देते हैं इसका नाम, डूड। चलो मिशन हुआ, हो जा भाई, हाँ हो गया मिशन हो गया, लेकिन लेवल चलो इनग्राम्स मिले होंगे, इनग्राम्स नहीं एक्सपी मिली होगी, ये हो गया। और ये कपड़े वाला भी कर लेते हैं, कपड़े पहले अनलॉक करने पड़ेंगे, इनग्राम वेस्ट होते हैं यार, मैं पहले नहीं करता था लेकिन अब करेंगे, पता है क्यों, आगे चल के हम जब क्रॉप प्लॉट्स बनाएंगे, मतलब सीधी भाषा में बोलें तो जब फार्मिंग करेंगे तो हम माइंड ब्रू बनाएंगे, माइंड ब्रू नहीं होता यार वो, माइंड कुछ करके होता है उसको हम बनाएंगे, और उसको अगर कंज्यूम, इसको पहले पेल देते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसको पेल के भी देख लेते हैं कि अच्छा चलो इसका मीट ले लेते हैं काम में आएगा। वैसे पता है मैंने बेवकूफ़ी की, इसको मारना नहीं था, मेरे को वैसे भी बहुत सारे डोडोस टेम करने हैं,
क्यों एग्स एग्स के लिए एग्स के लिए किबल्स के लिए डोडो किबल्स टेरानाडोन और इचिनोथोरस इचिनोथोरस वो डॉल्फिन्स की प्रजाति। तो मैं कह रहा था कि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। इचिनोथोरस वो जो डॉल्फिन्स की प्रजाति है उसका भी मिशन अभी आएगा। हाँ अब इसको मैं पेल रहा हूँ, पता है क्यों पेल रहा हूँ? तुम बोलोगे यार टेम करने की जगह पेल रहे हो, तुम बोल रहे हो अंडे भी चाहिए, तो यार पहले तो कपड़े का क्लोथ्स का परसूट कंप्लीट कर लो ना, हाइट चाहिए था। हाँ अब शूज़ बनाने थे मेरे को, असल में हाइट कम पड़ रहा था, तो अभी टेम करेंगे इनको, लेकिन पहले तो हमें मीट वीट हाइड की ज़रूरत है, पहले तो पहलेंगे सबको। अच्छा ये चूज भी मिल गए, इसकी कितनी अच्छा एसेंडेड वाले हैं, बढ़िया एसेंडेड वाली चीज़ें बढ़िया हैं वो। अगर नॉर्मल सॉरी अगर वो नॉर्मल अपना पिकेक्स और हैचेट भी एसेंडेंट है ना तो मस्त है यार, एसेंडेंट की चीज़ें ज़बरदस्त हैं। इसको पता है मैं कभी टेम नहीं कर पाया कभी भी, 4.5 होता है और अगर मोस्टॉप होता तो वो 70% हो जाता है इसकी। चलो इसको भी करेंगे, अंडों के लिए तो सबको करेंगे, कीबल्स के लिए मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरा लेवल अप जल्दी हो रहा है क्योंकि मैं परसूट्स कर रहा हूँ ना, मैं मूवमेंट स्पीड बढ़ा रहा हूँ। यार मूवमेंट स्पीड और वेट का भी मसला होगा लेकिन वो भी बढ़ाएंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे स्पीड पे और स्टेमिना पे। खैर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कीबल्स बनाएंगे, डोडो कीबल्स पैरासोर कीबल फलाना ढमकाना वो तो बाद में, लेकिन कल इंशाल्लाह हम अपना डोडो टेम करेंगे और उनके कीबल भी बनाएंगे। तो दिन में इंशाल्लाह दो वीडियो आएंगे, ये वाला यही तक था, मिलते हैं फिर, टाटा बाटा।